जयपुर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा राजस्थान की ओर से ऐतिहासिक छत्राणी जागृति सशक्तिकरण अभियान का आयोजन किया गया है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत, वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौर, मुख्य सचेतक महेश जोशी, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी शिरकत की। इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने राजस्थान की छत्राणियों से एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि जब पुरुष महिलाओं को आगे लाने की कोशिश करते तो महिलाएं जरूर आगे आती हैं। महात्मा गांधी महिलाओं को आगे लाए तो महिलाएं स्वयं स्वाधीनता की लड़ाई में आगे आए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के आगे आने से राजस्थान अब और आगे बढ़ेगा। वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कार्यक्रम की तारीफ करते हुए नरपत सिंह शेखावत और आनंद सिंह को बधाई दी। उन्होंने खुद के कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। साथ ही कहा कि छत्राणियां गांव गांव जाकर काम करेंगी तो समाज पीछे नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि राजपूत का काम है वो पिछड़ों के लिए लाठी बने और असहायों की मदद करे। राजे ने आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जब ये त्याग की और सौहार्द की भावना और वात्सल्य और प्रेम की भावना मां की ग्रहण की चार दीवार के बाहर अगर जा सकी तो समाज में कितना अच्छा वातावरण है। जो घर में होता है वो अगर हम समाज में चार दीवार के बाहर ले जाएंगे तो कितना अच्छा वातावरण होगा। तो ही वातावरण पैदा करने का काम, बहुत महत्वपूर्ण काम आप करने जा रहे हैं, मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। ये तीन हजार लोग, इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं कह रही हूँ उस समय तो हम लोग तीन थे, पर अब आप तीन हजार लोग जाएंगे यहाँ से, क्षेत्र के अंदर, गांव के अंदर आप लोग जाओगे और आप एक अलग जगाने का काम करोगे। तो मैं तो समझती हूँ कि जब छत्राणी उठ के आगे बढ़ेगी तो समाज कहाँ पीछे रह सकता है। और ये समाज आगे बढ़ेगा, इस समाज ने जो इतिहास में अपना नाम बनाया है, मैं तो समझती हूँ कि हमारी छत्राणी ही उसको आगे बढ़ा के उसको आगे के इतिहास में और चमकाने का काम करेंगी। हम सभी ने स्कूल शिक्षा के समय हाड़ी रानी, मेवाड़, झांसी की रानी, रानी पद्मिनी का स्वाभिमान, सावित्री बाई फूले, मीरा बाई की भक्ति सहित महिलाओं के त्याग और शौर्य की गाथाएं पढ़ी हैं। हमें अपनी महिलाओं के गौरवशाली इतिहास पर गर्व है और आज के दौर में कल्पना चावला हो, चाहे मैरी कॉम हो, सानिया मिर्जा हो, मिताली राज जैसी महिला सशक्तिकरण के उदाहरण बहुत मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि अगला उदाहरण आप में से कोई बने। अब वक्त आ गया है कि हम अपने गौरवशाली इतिहास की नींव पर स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करें। राजस्थान पैटर्न यदि देश में लागू होता है तो बहुत बड़ा फायदा मिलेगा और मुझे भरोसा है। सवाल कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, हर जगह कांग्रेस बीजेपी नहीं होनी चाहिए। कुछ मुद्दों पर सब पॉलिटिकल पार्टियों को बैठकर फैसला करना चाहिए कि ये मेरे देश का मुद्दा है, ये मेरे धर्म का मुद्दा है, ये मेरे प्रांत का मुद्दा है, ये मेरे जवान का मुद्दा है, ये माँ बहन बेटी का मुद्दा है। और जब हमेशा मैं लोगों के बीच में कहता हूं तो ये कहता हूं, राजा बदलेंगे, कुर्सियां बदलेगी, पार्टियां बदलेगी, लेकिन कान खोल कर सुन लो, इतिहास कभी भी नहीं बदलेगा, इतिहास वही रहेगा जो लिख दिया गया है। और ऐसा आयोजन जो इन्होंने किया है, हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे बहुत बड़ा कार्यक्रम एक और हो और इसमें वैसे तो जो भी आता है अपना ज्ञान देके जाता है, अपना सुझाव देके जाता है, लेकिन असल में फिर सहयोग कम करते हैं। मैं ये भी वचन करता हूँ, वचन देता हूँ कि इस संगठन से कभी भी कोई भी आदेश हमें देंगे, हमें भी देंगे, हमारी जो शक्ति है उसके अनुरूप हम तन मन और धन से इसको सहयोग भी करेंगे।